नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी और करंट अफेयर से अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बात करते हैं आज शब्द, ठीक है दोस्तों। हिंदी में हमारा ये टॉपिक है जिसमें शब्द से हमारे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दोस्तों हमारे तो रूट शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, योग रूट शब्द हैं, विदेशक शब्द हैं, संकर शब्द हैं, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं आपको इसमें मैं बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, इस YouTube चैनल में हर प्रकार की हमारी GK ट्रिक हैं और हिंदी की भी है हमारा है और इंग्लिश के भी हमारे पढ़ने वाले इसमें नोट्स। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये चैनल। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शब्द हमारा होता क्या है। दोस्तों, तो शब्द हमारा जो होता है वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। मतलब जो हमारे वर्ण होते हैं तो वर्णों को आपस में मिला लेते हैं, जैसे का है, खा है, इनको मिला देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा दोस्तों। तो हमारा शब्द जो होता है वर्णों के मेल से जो स्वतंत्र शब्द बना होता है वही हमारा क्या होता है, शब्द होता है। दोस्तों, जो शब्द होता है तो शब्द के हमारे कई प्रकार होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे रूढ़ शब्द होते क्या है। तो रूढ़ शब्द हम बहुत आसानी से बात कर लेंगे इनको। दोस्तों, रूढ़ शब्द जो होते हैं जिनका कोई भी सार्थक खंड ना हो वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिन लिखा है तो सार्थक खंड क्या होता है, अगर इसके दो भाग कर दें तो दोस्तों आप बताइए दी का कोई मतलब निकलता है, नहीं निकलता है ना दोस्तों। ना का कोई मतलब नहीं निकलेगा। घा को भी इससे कर देंगे तो कोई निकलेगा नहीं। जैसे दो अक्षर के जो भी होते हैं उनको अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है दोस्तों, इसलिए हमारा ये हमारे कौन शब्द हो जाते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। अगली बात करते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक से आपको दोस्तों पता चल रहा होगा, यौगिक मतलब होता है दो हमारे शब्द मिलकर बने होंगे, वे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंडों से हुआ हो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दोस्तों है सामाजिक, तो सामाजिक मतलब दोस्तों होता है समाज धन एक, मतलब दो चीज इसका समाज अलग भी होता है हमारा और एक हमारा, ठीक है, समाज से अलग, तो सामाजिक हो गया दोस्तों। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय है ना, तो विद्या धन आलय, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया है, तो विद्यालय, तो विद्या धन आलय, तो मतलब विद्या धन आलय माना घर होता है और विद्या मतलब घर का, जो विद्या का जो घर होता है उसे बोलते हैं विद्यालय। जैसे हमारा हिमालय है तो हिमधन आलय, आलय मतलब घर, हिम मतलब बर्फ, जो बर्फ का घर होता है उसे बोलते हैं हिमालय। इसके बाद दोस्तों पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय मतलब पुस्तक का जो घर होता है उसे बोलते हैं हम लोग पुस्तकालय। तो हमारे दोस्तों इनका हमारा क्या होता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। पुस्तक का अलग अर्थ हो गया, आलय मतलब घर हो गया दोस्तों। तो ये चीज़ हमारा जो होता है वो हमारा यौगिक शब्द होता है। दोस्तों, अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं बहुव्रीहि समास, इसे बोलते हैं किसको, योग रूढ़ शब्द, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं तीन प्रकार के थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और ये तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं इन्हें बहुव्रीहि समास भी बोलते हैं। मैंने दोस्तों समास का जो ने ट्रिक से बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया है और मैंने वीडियो ऑलरेडी इसमें से डाल दिया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। दोस्तों योग रूढ़ शब्द होता है वो होते हैं वे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक तो होंगे क्योंकि योग लिखा हुआ है, तो यौगिक शब्द तो होते हैं मगर एक विशेष अर्थ इसका निकलता है। वे शब्द जो यौगिक होते हैं और एक विशेष अर्थ निकलता है, जिसे हमारा लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात क्या हुआ, लंबोदर, ठीक है। तो इनका विशेष अर्थ निकल रहा है वो हमेशा क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दशानन, दशानन मतलब कहते हैं दस है आनंद जिनके, मतलब जिनके दस सर हैं कौन हमारे हैं, दशानन है। चक्रपाणी, चक्रपाण मतलब जिनके हाथ में चक्र हमारा होता है, विष्णु भगवान। पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान। तो ये हो गए दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे दोस्तों बताया था कि देशर और विदेशर हमारे शब्द होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमारे जो देशर विदेशर होते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं और आराम से इनको याद कर पाएंगे। दोस्तों जो देशज शब्द होते हैं, तो देशज शब्द हमारे होते हैं जो देश में उत्पन्न होते हैं। तो देश में जैसे हमारा लोटा है दोस्तों, ये कैसा है, हम लोग बोलते हैं ना देश, लोटा, डिबरी, ढोर, पगड़ी, खिड़की, जूता, ढोंग, फुनगी,
ढोंग, फुनगी, ठुमरी, भजन। तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये हमारे देशा शब्द कहलाते हैं जो हमारे देश में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों विदेशा शब्द। तो दोस्तों जो विदेशा शब्द होते हैं वो हमारे विदेश में जन्मे होते हैं, मतलब उनका जो निर्माण होता है हमारा विदेश में होते हैं, मगर अपने भारत में ये वर्ड आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भारत में विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आके बहुत लूट वगैरह किए हैं, तो उनकी भाषा तो अपने भारत में बोली ही जाएगी। तो दोस्तों हमारी जैसे ये बाल्टी है, आप लोग बोलते हैं बाल्टी, मगर ये जो बाल्टी शब्द है हमारी विदेशी भाषा है, और कौन सी भाषा है, पुर्तगाली भाषा। मतलब पुर्तगाल हमारे कौन सी भाषा, बाल्टी जो भाषा है पुर्तगाली है। इसको तो वकील, जो वकील है हमारा वो अरबी भाषा है। जो चाय है दोस्तों ये हमारी चीनी शब्द है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि चाय हमारी कैसी भाषा है, तो चाय हमारी कैसी भाषा होता है दोस्तों, ये हमारी होती है चीनी भाषा। अगला है स्टेशन, जो स्टेशन हमारा है वो हमारा है अंग्रेजी भाषा का है। रिक्शा, जो रिक्शा हमारा है वो दोस्तों हमारा जापानी का है। इसके बाद लीची, जो लीची हमारी है वो हमारी है चीनी भाषा है। मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट है हमारा विदेशी शब्द है। दरोगा, दरोगा हमारा है तुर्की। जो काजू है दोस्तों, काजू बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों जो काजू होता है ये काजू हमारा पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन पूछेगा काजू कैसा भी शब्द है, तो विदेशी, और पूछेगा कैसा विदेशी, तो आपको बताना पड़ेगा पुर्तगाली। मुकदमा, तो मुकदमा दोस्तों हमारा अरबी भाषा है। इसके बाद बारूद, तो बारूद हमारा क्या है, तुर्की। तो दोस्तों अलमारी, अलमारी हमारा कैसा है, पुर्तगाली है, ये बहुत बार पूछा गया है, अलमारी भी अलग शब्द। इसके बाद दोस्तों ये हमारा आराम से बहुत आसानी से हमारा याद कर लेना, इसमें हमेशा एग्जाम में आता है। अगला है आलपीन, तो आलपीन भी हमारा दोस्तों कैसा शब्द है, पुर्तगाली है। इसके बाद अदालत, जो अदालत शब्द है हमारा अरबी शब्द है। और जलेबी, तो दोस्तों ये जो जलेबी शब्द है ये हमारा कैसा शब्द है, फारसी भाषा है। तो दो चीज़ हो गए दोस्तों आपके, देशज और विदेशज। एक हमारा बचा है लास्ट में दोस्तों, इसको देख लो क्योंकि एग्जाम बहुत आता है, बहुत आता है इसमें दोस्तों, संकर शब्द क्या होते हैं। तो संकर शब्द वो होते हैं दोस्तों जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, हाइब्रिड जिसे बोलते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक हिंदी भाषा होगा और एक विदेशी भाषा, तो हिंदी और विदेशी भाषा को दोस्तों मिला लेंगे तो हमारे कौन से शब्द बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे संकर शब्द। जैसे हमारा होता है पान दान, पान दान ये हमारा क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। जैसे सील बंद, सील बंद, तो ये हमारा कैसा शब्द है, संकर शब्द। छायादार, छायादार हमारा संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, तो दोस्तों हमें समझे नहीं है आप, रेलगाड़ी मतलब संकर शब्द। मतलब रेल जो ही हमारी इंग्लिश शब्द हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, गाड़ी हमारी हिंदी शब्द हो गई, तो दो चीज़ हमारी मिलकर बन गई तो हमारा संकर शब्द हो गया। जैसे बोर्ड परीक्षा, बोर्ड हमारा इंग्लिश शब्द हो गया, परीक्षा हमारा हिंदी शब्द हो गया। लाठी चार्ज, तो लाठी हमारा चार्ज हो गया, ये भी हमारा क्या है, मतलब जो चीज़ हमारे दोस्तों होते हैं कि अलग किया सकता है, और दोनों ही मतलब निकलते हैं कि ये नहीं कंबाइंड शब्द से बना हुआ है, छायादार, रेल गाड़ी, बोर्ड परीक्षा, लाठी चार्ज। इनमें देखो तो बीच में हमारा देखो लगता है कि नहीं, लाठी अलग है चार्ज अलग है, तो ऐसे शब्द हमारे होते हैं संकर शब्द। परीक्षा हाल, टिकट घर, काला बाजार, ऑपरेशन कच्छ, तो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और वो बहुत ही बारीक चीज़ हैं, और आराम से इसको आप याद कर लेंगे दोस्तों, और अपने नोट्स बना लीजिए और आराम से नोट्स में आप कंप्लीट करते जाइए। मैंने दोस्तों तद्भुत असम की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बता दिया है कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो अशुद्ध शब्द होते हैं हमारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छा से बता दिया। जैसे गर्दभ मीन्स गधा होता है, मच्छिका मीन्स मक्खी होती है, उल्लास मतलब उल्लास होता है, सरंग मतलब सिंह होता है। तो जैसे तत्सम होता है, तत्सम ये वर्ड होगा तो हमेशा तत्सम में होता है। इसी अभी आरओ में हमारे इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मैंने इसका ट्रिक वाला वीडियो और भी हमारे वीडियो हमने डाल दिए हैं, आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हम प्रैक्टिस सेट के लिए और बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। आप थ्योरी पोर्शन आप कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।